सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। भारत में टाटा मोटर्स ने कुछ महीने पहले ही अपनी नई एसयूवी हैरियर को लॉन्च किया था। यह एसयूवी अपने सेगमेंट की सबसे शानदार लुक वाली एसयूवी है। इसके बाद कंपनी अब अपनी एक और नई एसयूवी S2X को लॉन्च करने वाली है, जिसका लुक काफी हद तक टाटा हैरियर से मिलता जुलता है, जिसे कंपनी ने गिनिविया मोटर शो में पेश किया है। हालांकि इस एसयूवी का प्रोडक्शन मॉडल 2020 ऑटो एक्सपो में देखने को मिलेगा, जो मौजूदा मॉडल से मिलता जुलता होगा। यह एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी, जिसका साइज टाटा नेक्सन से छोटा होगा। इस एसयूवी में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो 80 पीएस का पावर और 114 न्यूटन मीटर के टॉर्क प्रदान कर पाने में सक्षम होगा। इंजन संचालन के लिए इसमें 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों का विकल्प देखने को मिलेगा। कार के एक्सटीरियर की बात करें तो यह कार भी टाटा मोटर्स के इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन के टच पर ही बनी गई है। हैरियर की तरह इसमें मेन लाइन नीचे और एलईडी डीआरएस ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। डुअल टोन पेंट स्कीम इस कार में मौजूद होगी। स्पोर्टी दिखने के साथ यह कार काफ़ी अलग और स्टाइलिश भी नज़र आएगी। वहीं इंटीरियर की बात करें तो इसमें 7 इंच के टस्किन के साथ डुअल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। 5 सेटिंग स्पेस के साथ एक्स्ट्रा बूट स्पेस इस कार की प्रमुख खासियत होगी। भारतीय बाजार में इस कार की कीमत लगभग 4.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला मुख्य रूप से महिंद्रा KUV 300 और मारुति सुजुकी इग्निस से होना है। तो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये टाटा की छोटी मिनी सब 4 SUV कार कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर देना, और उस सब्सक्राइब के साथ घंटे का बटन दबा दीजिए, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।